लेफ्टिनेंट हॉडसन, ये वो शख्स थे जिन्होंने दिल्ली को दोबारा जीता। वो लिखते हैं, हमें इंग्लैंड से टेलीग्राम आया था। इस टेलीग्राम में लिखा था, 1857 की बगावत दरअसल मुसलमान उलमाओं की बगावत है। जहां पर भी टोपी और दाढ़ी वालों को देखो, इन्हें बिने मुकदमे के लटका दो। लेफ्टिनेंट हॉडसन अपनी किताब में लिखते हैं, फिर क्या था, हम निकल पड़े दाढ़ी और टोपी वालों को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाते। हम उनसे यह नहीं पूछते कि तुमने क्या किया है, बस हमारी गोलियां उनका सीना और सर तलाशती। कर्नल नील, इन्होंने पटना और अलाहाबाद और कानपुर को दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में लाया था, वो अपनी किताब में लिखते हैं, मुझे इस बात पर फक्र है। कर्नल नील लिख रहे हैं अंग्रेजों के लिए, हमारे लिए नहीं लिख रहे, तो लिखते हैं, मुझे इस बात पर फक्र है कि मैंने सैकड़ों लोगों को बिना मुकदमे के ही फांसी दे दी। उस जमाने में एक बेहतरीन हिंदू इतिहासकार दिल्ली में रहा करते थे, दुर्गादास बंदोपाध्याय, वो अपनी किताब में लिखते हैं, मैं उनकी किताब से एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं। ये इलाहाबाद में थे जब 1857 की बगावत हुई, वो इलाहाबाद में थे। वो लिखते हैं, इलाहाबाद के चारों ओर 1857 के बाद कई सालों तक एक झाड़ नहीं मिलता था। इलाहाबाद के चारों ओर 1857 के बाद कई सालों तक एक झाड़ नहीं मिलता था, क्योंकि मरने वालों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि या तो वो लकड़ी कब्र में पट्टा बना के लगा दी गई, या चीता पर लकड़ी बनाकर जला दी गई। क्या आप सोच सकते हैं कि वो क्या जुल्म सितम होगा कि झाड़ इलाहाबाद से खाली हो गए, या वो कब्रों में तख्ते बनकर लग गए, या चिताओं पर लकड़ी बनकर जल गए। ये 1857 की चीज थी। द टाइम्स अखबार उस समय इंग्लैंड से निकलता था। मेरे पास जनवरी 1861 की एक पेपर कटिंग है। द टाइम्स अखबार जो लंदन से निकलता था, उसमें करेस्पॉन्डेंट का नाम रसेल है। ये रसेल ने अपने फ्रंट पेज पे द टाइम्स अखबार के लिखा है, अंग्रेज सरकार उलमाओं के दिल में हमेशा के लिए डर बिठाना चाहती थी, इसलिए नफीस उलमाओं को सूअर की चमड़ी में जिंदा सिया गया और सूअर की चर्बी के खिलाफ फतवा देने वाले मुस्लिम उलमाओं को जबरदस्ती पोर्क खिलाया गया। ये कुर्बानियां हैं जो आपके आलिमों ने दी हैं। सर जेम्स आउट्रम और एडवर्ड टिमस, ये राइटर हैं एक किताब के, उस किताब से मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूं, सिर्फ एक लाइन। जिन 51,200 लोगों को फांसियां हुई, उसमें उलमा, अभी मुसलमान भी नहीं कह रहा हूं, मुसलमानों में ऊंची कैटेगरी उलमा कह रहा हूं, जिन 51,200 लोगों को फांसियां हुई 1859, 1860 और 1861 में, उनमें उलमाओं की तादाद सिर्फ 27,000 थी। यानी सिर्फ उलमा 27,000 से ज्यादा थे, 51,200 लोगों को फांसियां हुई। लोगों, इतिहास में आपका रिकॉर्ड है जो दम तोड़ रहा है। ग्रोवर एंड ग्रोवर की एक बुक है, उसमें वो लिखते हैं, भगत सिंह को एक अंग्रेज ने पूछा, भगत सिंह ये एक ऐसी शख्सियत है, उनसे एक अंग्रेज ने, उन पर मुकदमा चल रहा था, तो भरे कोर्ट में भगत से कहते हैं, दिस पीपल रूल्ड यू फॉर मोर देन 800 ईयर्स, इन्होंने तुम पर 800 साल हुकूमत की, तुमने कभी बम नहीं फेंका, हमें आए 150 साल हुआ है और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह तुमने बम फेंक दिया। भगत सिंह मुस्कुरा के कहते हैं, सर बम में ना छर्रा था ना केमिकल थे, हम आपको मारना नहीं चाहते थे। जज ने कहा, तो फिर बम क्यों फेंका? कहा, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। भगत सिंह से कहा कि 800 साल इन्होंने तुम पे राज किया, कभी बम नहीं फेंका। कहा, सर कैसा राज किया? ऐसा राज किया कि हमारे देश का नाम सोने की चिड़िया पड़ गया। ये सोने की चिड़िया की चहक है जो आपको 7 समुंदर दूर से खींच कर लाई। और 150 साल आपने कैसा राज किया, एक लाइन में बताना चाहूं। और भगत गजब के विद्वान थे।
भगत कहते हैं 150 साल आपने कैसे राज किया, अगर एक लाइन में कहना चाहूं तो आपने एक स्पंज की तरह राज किया। ये स्पंज गंगा के किनारे से हीरे मोती चूस कर ले जाता और जब इसे थेम्स, लंदन में नदी है, थेम्स के किनारे निचोड़ा जाता तो दौलत बरसने लगती। ये जो दौलत आप यहां से भिगा भिगा कर ले गए हैं, सारे कल कारखाने और औद्योगिक क्रांति उसी से आई। और इन्होंने कैसा राज किया, इन पठानों और मुगलों ने इसे अपना घर बना लिया, इसी की धूल में अपने आप को मिला दिया और जो पैसा यहां से लिया यहीं खर्च कर दिया। पेज नंबर है 169, बुक का नाम है ग्रोवर एंड ग्रोवर। आप भगत सिंह के इस बयान को वहां पढ़ सकते हैं। वीर सावरकर कहते हैं कि क्या आप जानते हैं 1857 में सबसे बड़ा, जिसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो कौन था? वो थे आखिरी मुगल बादशाह, बादशाह बहादुर शाह जफर। वीडी सावरकर लिखते हैं कि मैंने जॉन निकल्सन की किताब से इस चीज को कॉपी किया है कि जॉन निकल्सन ने लिखा कि हमने सवेरे बहादुर शाह पर यह जोर डाला कि आप नाश्ता करिए। बहादुर शाह ने कहा मुझे हमें खाने की तबीयत महसूस नहीं होती क्योंकि रात को हमने उनकी आंखों में पॉइजनस ऑइंटमेंट लगाया था। पॉइजनस ऑइंटमेंट लगाने से वो हल्के हल्के नाबीना होना शुरू हो गए थे क्योंकि इस्लामिक लॉ में एक अंधा इंसान राजा नहीं हो सकता। हमने जोर डाला नहीं आप नाश्ता करिए, और जब उनके मर्जी के खिलाफ नाश्ता लाया गया तो लाल कलर के मखमल से ढके हुए 3 कटे हुए सर दिए गए, 2 उनके बेटे के थे, 1 उनके पोते का था। ये जुल्म और सितम जब आपने सहा है तो यह टॉपिक उठता कहां से है कि मुसलमानों का जंगे आजादी में क्या योगदान है।